बड़ा विमान हादसा होते होते टल गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर यह बड़ा हादसा होते हुए टल गया। रनवे पर आमने सामने दो विमान आ गए थे। दिल्ली एयरपोर्ट की खबर हम आपको बता रहे हैं। एक बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन शुक्र है कि इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। दो बड़े विमान आमने सामने रनवे पर आ गए थे और ये टकरा सकते थे, लेकिन यह हादसा टल गया। रनवे पर आमने सामने दो विमान आ गए थे, दिल्ली एयरपोर्ट की हम आपको खबर बता रहे हैं, और एक बड़ा हादसा यहाँ हो सकता था, लेकिन ये हादसा होते होते टल गया। डिटेल्स जैसे ही इस खबर के बारे में आएंगे हम आपको देंगे। कौन से ये विमान थे, कौन से एयरपोर्ट पर ये घटना हो सकती थी? रनवे पर आमने सामने दो विमानों के आने से ये बड़ी घटना हो सकती थी। बात करते हैं इंडिया न्यूज संवाददाता नरेश मिस्वानी, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। नरेश, क्या डिटेल्स मिल रहे हैं इस घटना के बारे में? देखिए, मैं तो ही बता दें आपको कि अभी कुछ देर पहले की अगर हम बात करें तो वहां पर ये सिचुएशन अचानक क्रिएट हुई कि दो फ्लाइट आमने सामने आ गई थी। इंडिगो और स्पाइस जेट की दो फ्लाइट थी जो अचानक ही रनवे पर आमने सामने आ गई थी, लेकिन जो पायलट थे उन्होंने सूझबूझ दिखाई और एक बड़ा हादसा यहाँ पर टल गया है। ये भी माना जा सकता है कि कोहरे के चलते, क्योंकि एयरपोर्ट और उस एरिया में कोहरा काफी ज्यादा होता है और ऐसे में इस तरह की चीजें अमूमन जो स्थिति है पैदा हो जाती है। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पर यह है कि एक बड़ी दुर्घटना यहाँ पर टल गई है। एक इसी तरह की स्थिति गोवा के एयरपोर्ट में भी पैदा हुई है। वहां पर अचानक ही टेक ऑफ करते हुए एक जो प्लेन है, जो फ्लाइट है, वो हो गया था, लेकिन अभी एक दुर्घटना टली है। तो कहीं ना कहीं अमूमन देखा जाता है कि सर्दियों के इस मौसम में जब कोहरा भी काफी ज्यादा होता है तो इस तरह की स्थिति अमूमन पैदा होती है, लेकिन गनीमत की बात यह रही कि एक बड़ी दुर्घटना यहाँ पर टल गई है। बिल्कुल, शुक्र है, गनीमत है कि यह हादसा टल गया। जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया, इंडिगो और स्पाइसजेट के दो विमान आमने सामने आ गए थे जो टकरा सकते थे। और ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, गोवा एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं, जहां पर एक विमान जेट एयरवेज का ये विमान फिसल गया था रनवे पे और बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। हालांकि इसमें कई पैसेंजर्स जो है, 154 ऐसे यात्री इसमें सफर कर रहे थे, लेकिन कुछ यात्रियों को थोड़ी बहुत चोटें आई हैं जिनका इलाज चल रहा है। 7 क्रू मेंबर्स भी इस एयरप्लेन में थे, लेकिन गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। फिलहाल जो गोवा का एयरपोर्ट है वो 12:30 बजे के आसपास तक के लिए बंद कर दिया गया है, जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते हैं, सब चीजों को नियंत्रण में नहीं कर लिया जाता है। दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक जो बाई तरफ तस्वीर आपको दिख रही है वो दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक बड़ा हादसा टला है। कुछ देर पहले इंडिगो और स्पाइसजेट के दो बड़े विमान रनवे पर एकदम आमने सामने आ गए थे और टकरा सकते थे। बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन पायलट्स की सूझबूझ की वजह से इसको टाला जा सका और ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ। वहीं गोवा में भी आज सुबह जेट एयरवेज का एक विमान रनवे पर फिसल गया, जिसकी वजह से बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन वहां भी जो एयरपोर्ट के कर्मी हैं और जो पायलट्स हैं उनकी सूझबूझ की वजह से इसको टाल दिया गया, नहीं हुआ कोई हादसा। हालांकि कुछ लोगों को थोड़ी बहुत चोटें आई हैं, उनका इलाज चल रहा है।